यूडीसी में एक्सेप्टेंस फॉर्म किस तरीके से भरना बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा दिया गया फॉर्मेट, किसी को अलग अलग फॉर्मेट भी होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना है ESIC UDC 2022, ठीक है, इन द ESIC कॉर्पोरेशन, ठीक, उत्तर प्रदेश रीजन। फिर आपका नीचे दिया द रिसीप्ट और योर लेटर नंबर। तो यहाँ पे लेटर नंबर आपको डालना है जो मेमोरेंडम आपको मिला होगा। मेमोरेंडम में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है ESIC का, और यहाँ पे आपको दिया गया होगा लेटर नंबर। तो वो लेटर नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और जिस डेट में आपको वो है वो डेट यहाँ पे मैंशन करनी है यहाँ पर, और ऑफिस ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो किस पोस्ट में आपका, UDC में आपका है, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है कि आई हेयर बाय एक्सेप्ट द ऑफर अपॉइंटमेंट एज UDC इन द ऑफिस। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको कट्टम कर देना है, ऊपर वाले में UDC फिल करके टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आओगे तो LTI होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, RTI होता है राइट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, ये दोनों आपको लगाने हैं। ब्लैक इंक का आपको यूज़ करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, नेम लिखना है, रोल नंबर, फिर सेंट्रल साइड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन क्या था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मेन्स का एग्जामिनेशन एड्रेस लिखना है, जो मेन्स का एग्जामिनेशन CST हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है, मतलब जो जोन आपने भरा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो है ये चीज़ें आपको स्पीड पोस्ट जो है वो आपको पूरी फिल करके भेजनी है ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो इस तरीके से आपको फिल करना है।